क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नीतीश कुमार होंगे जनसंपर्क दौरे पर, नेता प्रतिपक्ष विजय का नीतीश पर हमला। प्रतिनियुक्ति कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण, प्लस टू उच्च विद्यालय में हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। मुखिया प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, पुलिस जुटी मामले की जांच में। बढ़ती ठंड से लोगों को हो रही परेशानी, लोगों ने किया अलाव व कंबल वितरण की मांग। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पटना से है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी से 7 फरवरी तक बिहार जनसंपर्क दौरे पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में शामिल आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री ने नीतीश कुमार पर हमलावर करते हुए कहा कि जो नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं और आज 350 करोड़ के प्लस प्लेन से चलने की बात कह रहे हैं, तो कैसे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा। यह बेशरम मुख्यमंत्री हैं जिनको लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर करारा हमला किया है। यह महा ठगबंधन में दो बड़े ठग एक दूसरे को ठगने के लिए आए हैं और ठगी में जब फेल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट रिएक्शन निकल रहा है और ये रिएक्शन अभी और बढ़ेगा, क्योंकि एक सीएम के लोभ में आए थे, एक पीएम के लोभ में। पीएम का तो मामला ख़त्म हो गया क्योंकि उनको कहीं से अब कोई सहानुभूति रख नहीं रहा, न मौका दे रहा, उन्होंने खुद सरेंडर कर गया कि हम पीएम के अब कैंडिडेट नहीं हैं। जब पीएम के कैंडिडेट नहीं रहे तो सीएम का चेयर कहाँ खाली होने वाला है, और सीएम का चेयर कि लोभ में जो लोग आए थे वो बेचैन हैं, तो दोनों के बीच तो अभी ये महा ठगबंधन का लठबंधन शुरू होगा। और ये लठबंधन बिहार में धमाल मचाएगा, प्रशासनिक अराजकता फैलेगी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन भ्रष्टाचारियों का लठबंधन करने वाले ठगबंधन की सरकार को बेनकाब करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बगहा के नारायणपुर स्थित भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार के विकासात्मक कार्यों को जन जन तक पहुँचाने को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच आह्वान किया। उन्होंने इसके अलावा बिहार में बंद पड़ी रेल योजनाओं को पुनः चलाने को कहा। भारतीय जनता पार्टी में है, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उस पार्टी के हम सदस्य हैं, ये समझकर आगे के समय में आप सबको काम करना पड़ेगा। यही विनती मैं आप सबको करता हूँ और सब इसके बाद जब मैं आऊंगा
आपको पार्टी का काम जो लेके मैं यहाँ आया वो काम आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत जाति आधारित गणना 2022 के लिए प्रतिनियुक्ति कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम नगर के +2 उच्च विद्यालय में चल रहा है और इस संदर्भ में चार्ज अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि 9 पंचायतों के कुल 256 प्रांगणों और 45 पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 14 फील्ड मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जा रहा है। प्रथम चरण में मकान शुद्धिकरण का काम होगा, जिसके तहत जो है गणना क्षेत्र का निर्धारण, गृह संख्या का अंकन और उसके बाद नजरी नक्शा का भी निर्माण करना है, प्रगणक के स्तर पर भी और पर्यवेक्षक के स्तर पर भी। नजरी नक्शा में जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे नदी है, तालाब है, नहर है, पहाड़ है, सड़क है, उन सारी चीजों को भी दर्शाना है। बिहार में जाति आधारित गणना 2022 आरंभ है, उसका प्रशिक्षण जो है नरकटियागंज चार्ज के अंतर्गत 27 पंचायतों के लिए 3 दिवस निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस में 9 पंचायतों का प्रशिक्षण 9 कमरे में और पूरा विभागीय जो भी निर्देशानुकूल है उसके अनुसार किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम परगणक को मकान का नंबरीकरण करना है, उसके बाद उसका नजरी नक्शा तैयार करते हुए संक्षिप्त गृह पंजी तैयार। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान के तहत 72 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब के साथ 1 लीटर देशी चुलाई शराब और 1 शराब कारोबारी सहित नशेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद इस मामले में इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष ने जानकारी दी। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 शराब कारोबारी हैं और 1 व्यक्ति शराब पीने में पकड़ा गया है। 3 व्यक्तियों में एक सुनील कुमार को पकड़ा गया है, उनके पास से 72 बोतल कस्तूरी नेपाली शराब बरामद हुआ है, जबकि 1 व्यक्ति के पास से 1 लीटर है और 1 व्यक्ति पुराने केस में जो शराब कारोबारी हैं पुराने केस में अच्छेलाल मुखिया पकड़े गए हैं। चारों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र से छापेमारी कर शादी की नीयत से एक नाबालिग को अपहरण करने के मामले में 2 आरोपी सहित 1 पूर्व के फरार अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद जैसा थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने मामले में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में नाबालिग की मां की आवेदन के आलोक में कांड दर्ज किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त धीरज कुमार साकिन सेनुआया एवं राहुल कुमार नौतन थाना अध्यक्ष के निवासी को गिरफ्तार किया गया है। 2 मामलों में, 2 अलग अलग मामलों में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 केस पुराना केस है, 346/19 अपहरण का केस है, इसमें राजेश पासवान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 नया केस है 523, ये भी अपहरण का मामला है। चूंकि लड़की नाबालिग बताई गई है, पास्को एक्ट भी है, तो इसमें धीरज कुमार और राहुल कुमार 2 व्यक्ति हैं जिन्हें गिरफ्तार किया। भागलपुर पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें सीनियर एसपी और सिटी एसपी सहित सिटी डीएसपी का तबादला कर दिया गया है, जिसके चलते नए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कोतवाली थाना स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कई पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें बुके देकर बधाई दी गई। वहीं इस मौके पर सिटी डीएसपी ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के साथ शराब तस्करों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और आम जनता को कहीं से भी कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। मुजफ्फरपुर के नए एसएसपी के रूप में आईपीएस राकेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है। बता दें सोमवार की देर शाम को मुजफ्फरपुर एसएसपी ऑफिस में राकेश कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया।
इसके बाद एसएसपी राकेश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। मैंने कल देर शाम यहाँ योगदान दिया है। मेरी प्राथमिकताओं में यही रहेगा कि जो हम लोगों का कोर पुलिसिंग का वर्क, उस पर हम लोग फोकस करें। हमारी पूरी प्राथमिकता होगी कि कोई आपराधिक घटना जिले में घटित ना होने पाए। यदि घटित हो भी जाती है तो उसका प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और उसका उद्भेदन हो, उसमें जो भी प्रॉपर बरामदगी है, रिकवरी, अरेस्टिंग, वो हम लोग करें। इसके अलावा जो अन्य यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, चूँकि अभी सारे एचएसओ से मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया है, बट जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सामने निकल के आएंगी, हम लोग कोशिश करेंगे उनका निदान करें। खबर नालंदा से है, जहां छापेमारी के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद चौकीदार की मौत हो गई, जिसके बाद चौकीदार संघ एवं परिजनों ने पुलिस पर हत्या के आरोप लगाते हुए जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उनका नंबर से कॉल आया, बोले कि हम रेड में चलेंगे, रेड के लिए उठाए, पिताजी को दुगाम भी ले गए। और उसके बाद बीच में क्या हुआ सर, नहीं हुआ, 2 बजे थाना की गाड़ी हमको भेज करके वहाँ बोले कि चलो पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। हम उन पर झल्लाए कि बताइए, हम पिताजी 12 बजे 12:15 में गए, हमारा पिताजी स्वस्थ थे, अचानक कैसे तबीयत ख़राब हो गया, हमको बताइए कि कैसे हुआ। तो हम बोले कि हम पापा से बात करेंगे तो चलेंगे। तब पापा के मोबाइल पर संपर्क किए तो वहाँ से कोई पुलिस का अधिकारी उठाए या पुलिसकर्मी उठाए, वो बोले कि बाबू पिताजी डेड कर गए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में दहेज की मांग ना पूरी होने पर नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना के संदर्भ में युवती के मायके वाले थरथरी थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव निवासी ब्रिज नंदन प्रसाद ने बताया कि उन्हें बेटी के ससुराल के पड़ोसियों से मंगलवार को यह सूचना मिली कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को गांव के हरदिया गंधा में दफन कर दिया गया है, जिसके बाद वे लोग अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे, जहां पुलिस की मदद से गांव के खंधा में मिट्टी के अंदर दफन स्वीटी के शव को बाहर निकाला गया। बता दें पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। ससुर और पति दोनों मिलकर, सब परिवार मिलकर मार दिया। क्यों? स्कूटर मांग था। अच्छा, और इसी कारण मारा गया है, और नहीं मांगता। खाली स्कूटर मांगता था? जी सर। हाँ। जी बैसाख में हुआ था। खबर नालंदा से है, जहां आंख का इलाज कराने जा रहे बुजुर्ग सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। इसी दरमियान सारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक वाला और टोटो में टक्कर होने के कारण वो एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के दरमियान ये टेम्पू इन्हीं के ऊपर उलट गया। खबर सहरसा से है जहां बढ़ती ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है और जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा भी ठंड को लेकर कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को इस समाज सेवी वैद्यनाथ भगत ने कपकपाती ठंड में अनोखे अंदाज से दंड प्रणाम देकर डीएम कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने डीएम को जरूरतमंद लोगों के लिए कम्बल का वितरण करने और अलाव की व्यवस्था करने को लेकर आवेदन दिया है। हम डीएम साहब के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि हमारे शहर में कहीं नहीं अलाव की व्यवस्था है और न ही अभी तक कोई गरीब गिरवा की को कम्बल की वितरण किया गया किसी वार्ड में नहीं। मैं डीएम साहब से इतना ही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे सभी वार्ड में जितने भी 60 वर्ष से ऊपर हमारे माँ बहन और हमारे गार्जियन जो भी है बूढ़ा है उनको कम्बल की व्यवस्था किया जाए। साथ साथ हर चौक पे और रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में अलाव की व्यवस्था किया जाए, इसीलिए हम डीएम साहब की ध्यान आकर्षित करने के लिए आए हैं। खबर सुपौल जिला के करजाइन थाना क्षेत्र के हरिराहा पंचायत से है, जहां पर 2 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे हरिराहा पंचायत के वर्तमान मुखिया पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। खास करके एसपी साहब से कहना चाहेंगे कि तभी से आप लोगों का बैठ सुन रहे थे, जो मान लीजिए सरकार शराब खोजने में लगी हुई है कि दूसरा भी काम प्रशासन को है, सबसे पहले सरकार का जिम्मेवारी बनता है, यहाँ के खास करके एसपी साहब की जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं या सरपंच के प्रतिनिधि हैं, जो सबका सुरक्षा का गारंटी दे, सबके सुरक्षा की व्यवस्था करे। तो हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए और पूर्व में जो पंचायती राज मंत्री थे उसके द्वारा हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई ऐसा सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया, सिर्फ आश्वासन दे के ही उन्होंने मतलब हम लोग को संतुष्ट करते हैं। गाड़ी में और जस मुखिया जी टुनटुन जी चला रहे थे, हम उसके बगल वाले सीट पर आगे बैठे हुए थे, तो उसके बाद हम लोग फकीरना से निकले तो डाइवर्सन पर एक मोटरसाइकिल आगे थी, 2 लड़का सवार था उस पर, उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग आगे हो गए, फिर आगे आने के बाद कलवट के पास से दाएं लेके फिर हम मेरे यहाँ का एगो महादलित पेशेंट था, हॉस्पिटल में भर्ती था, सुबह मेरे पास आया और रो भी लग रहा था, जो हमारा पुतोह मरने वाला था, अस्पताल से जो है उसको रेफर किया गया, आशा के द्वारा भी कुमारी में उसको एडमिट कराया गया, तो हम बोले ठीक है आप जाइए वहाँ पे और हम आते हैं किसी टाइम में, तब तक इलाज चलने दीजिए, अभी पर भी मत करवाइए, ढंग से इलाज होने दीजिए, जाएंगे तो देखेंगे, जो 40,000-50,000 बोला जो मांग रहा था, हम बोले जाएंगे पहले इलाज कराइए, कम बेसी करवा देंगे। खबर नालंदा से है, जहां जिला अंतर्गत हरनौत थाना क्षेत्र के पुरई गांव में सड़क हादसे में एक निजी विद्यालय के शिक्षक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के दोस्त ने बताया कि युवक शेखपुर के निजी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्य करता था, आज वह बाइक से अपने परिवार से मिलने हरनौत आ रहा था, इसी बीच पोरई गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय थाना की मदद से युवक को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया,
जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो गाड़ी आकर के हम लोग भी आराम से गए थे, हम लोग भी थी आराम से आकर सोचे कि उन लोग रॉन्ग साइड में आ रहे थे, उन लोग ब्रेक मारा के करके सोचे ब्रेक मत नहीं मारा, ऐसे आराम से ऐसे आकर के मार दिया, फिर भी गाड़ी को खींच करके ले आए, हम उसको मारते समय हमने उसको फेंक दिया, फेंक दिया, हम उनके इसको खोज रहा था उस समय के ऊपर से। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।